इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 17.3। जैसा कि आप देख रहे हो अभी पार्ट बी तर्क शक्ति, हम क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ये जो पैटर्न दिख रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे इसमें से कौन आएगा, 49, 13, 53 कौन सा आएगा? यहां पर होगा 50, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो वो कौन सा है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? QFM, OHL, MJK, अगला होगा KLJ, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो GIA, DKL, FIL, तो इसमें से यहां पर विकल्प है जो असंगत है, तो KJL इसमें से असंगत शब्द है, असंगत है, तो उसको चयन करके टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 54, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित हो। विकल्पों में से वैसे आकृति का पहचान करना है जिसमें ये वाला डिजाइन बन जाए। क्या बन जाए? ये वाला डिजाइन बन जाए। तो देखो इसमें से वो वाला डिजाइन कहाँ बन रहा है, तो उसी को हमें टिक लगा देना है। ए में बन रहा है क्या? ए में नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन ए में बन ही नहीं रहा है। बी में नहीं, सी में नहीं, डी में है। डी में कैसे है? तो ये वाला लाइन देखो इधर को आ रहा है, ये वाला इधर को आया, इधर को गया, इधर को उठ गया, फिर इधर से आया इधर, और ये वाला लाइन आकर देखो बन गया अपना डिजाइन, बन गया सेम टू सेम। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 55, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। पीएम, टीजे, आरके, भीएक्स, टीआईएक्सबी, तो भीजी, एच, टी, तो यहां पर होगा XEBR, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 56, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 1, 3, 8, 29, 42, यहां पर होगा 79। क्वेश्चन नंबर 57, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहां पर भरना है और इस लाइन को पूरा कर देना है, तो 6, 9, 18, 27, तो अगला होगा यहां पर 54 और 81, यहां पर 54 इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, छह दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुखातिब होकर एक तरफ बैठकर, केंद्र गोलाकार है और चारों तरफ से वो बैठे हुए हैं। ए देखो सी ए और बी के बीच बैठा है, सी ए और बी के बीच बैठा है जो डी के एक कदम बाई ओर बैठा है। अगर सी ई से मुखातिब है, मतलब सामने टू सामने है, तो एफ के सामने कौन है? तो एफ के सामने बताना है, तो एफ के सामने बी बैठा है। कौन? बी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, अगर एक कूट भाषा में मैक इजकल टू 5 होता है और मास्टर इजकल टू 7 होता है, तो सॉल्यूशन इजकल टू क्या होगा? तो रीजनिंग जो भी इसमें से पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन का कोड उसको पता ही होगा, तो सॉल्यूशन इजकल टू होता है 9, सॉल्यूशन इजकल टू 9।
क्वेश्चन नंबर 60, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला स्थान पर आएगा। देखो ये लाइन से मिलाओ, ये कलर इधर को आया, ठीक है, इधर को आया, फिर इधर को आया, फिर इसमें आया, फिर इधर को आएगा, आधा में आया ना, नहीं इधर को आया तो फिर इधर को बना तो फिर इधर को बन गया, ठीक है, इधर को बन गया, तो यहां पर कहां बनेगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा यहां पर इधर को ही बनेगा, इसके ऊपर ना बनेगा भैया, इसमें इस लाइन में। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 61, असंगत का चयन करें, स्पेन, लंदन, रोम, पेरिस, इसमें से असंगत को चुनना है, तो असंगत को कैसे चुनोगे? तो ये अमेरिका के क्षेत्र में आता है कि रसिया के क्षेत्र में आता है कि सऊदी अफ्रीका के क्षेत्र में आता है, उसके जगह पे चुना जाएगा। पेरिस, रोम, लंदन एक श्रृंखला में हो गए, बचा कौन? स्पेन। तो स्पेन इसमें से असंगत है। क्वेश्चन नंबर 62, पी क्यू आर एस टी और यू एक कतार में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, क्यू एकदम पी के आगे खड़ा है, क्यू एकदम पी के आगे खड़ा है, एस एकदम टी के पीछे है, यू आर के पास नहीं है, जो दो व्यक्ति द्वारा क्यू से अलग किया गया है, कतार से आगे कौन खड़ा है? बताना है कतार से आगे कौन खड़ा है। फिर से सुनो, नहीं समझ में आया तो। पी क्यू आर एस टी और यू एक कतार में खड़े हैं, किसमें? एक कतार में खड़े हैं, क्यू एकदम पी के आगे खड़ा है, पी के आगे खड़ा है और एस टी के पीछे है, यू आर के पास नहीं है, जो दो व्यक्तियों द्वारा क्यू से अलग किया गया है, कतार से आगे कौन खड़ा है? तो कतार से आगे आर खड़ा है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63, समय उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस तरह दूरी डैश से संबंधित है, तो दूरी किलोमीटर से संबंधित है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए। ओडोमीटर से नहीं ना हो सकता है, यहां पर है दूरी, तो दूरी को किलोमीटर सेट करता है ना, ऑडोमीटर थोड़े करता है, नहीं तो अंतर भी नहीं करता है। अंतर क्या? अंतर तो हो गया गंतव्य, गंतव्य का मतलब भी दूरी होता है, तो यहां पर होता है ऑडोमीटर और किलोमीटर। तो घड़ी का हो, समय का तो घड़ी हो गया, ठीक है, समय को घड़ी दिखा रहा है, लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है, मैं बताना क्या चाहता हूं। दूरी, तो सबसे पहला समझो, समय उस तरह घड़ी से संबंधित है, समय उसका मीटर है, कौन? घड़ी। तो दूरी, दूरी का मीटर क्या होता है? किलोमीटर नहीं होता है, दूरी का मीटर होता है ओडोमीटर। आंसर बी याद रहेगा, ये गलत कर देते हो सब, हर समय ये गलत होता है, इसलिए एक नंबर कट जाता है और माइनस में चला जाता है, क्योंकि दूरी को नापने वाले को मीटर बोलते हैं, तो उस मीटर का नाम होता है ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 64, चार संख्याएं दी गई है जिनमें से तीन संख्याएं किसी न किसी रूप में सामान्य हैं, ठीक है, जबकि एक संख्या विभिन्न है, मतलब अलग है, असंगत संख्या चुनिए, इसमें से असंगत संख्या चुनना है। 53, तिहत्तर, 23, 33। तो देखो 53 किसी चीज के पहरे में आता है? नहीं आता है। 73 कौन चीज के पहरे में आता है? टेबल में, किसी टेबल में नहीं आता है। 23 भी टेबल में नहीं आता है, लेकिन ये आता है 11 तिहाई 33, 11 के टेबल में 33 आता है, तो यही इसमें का असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 65, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पद पहले पद से संबंधित है। एक्स टी यू आर सी जी ई आई, यहां पर है
एफ जे एच एल, तो इसका अगला ऑप्शन हो जाएगा यू क्यू एस ओ, आंसर डी। जब रेशियो आप सॉल्व करोगे तो इतना आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अगर एक कूट भाषा में मदर को मदर के रूप में डैश के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ट्यूसडे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो रीजनिंग पढ़ने वाले, जो भी रीजनिंग पढ़ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं आप इसका एक बुक ले लो, रीजनिंग का आप एक बुक ले लो, जिसके कारण आपको जानकारी जमाने में बहुत मदद मिलेगा। तो ट्यूसडे का कूट भाषा में बोलते हैं HTRUDSYA, आंसर ए। अब आता है 67, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो सभी कप मग है, सभी कप बर्तन है, दो नंबर वाला सही लग रहा है, सभी कप बर्तन है और कुछ बर्तन कप है, तो इसमें से क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी 78 नहीं 68, असंगत युग्म का चयन करें। इसमें से असंगत शब्द का युग्म का ये जो लिखा हुआ है 22-86, 5-31, 8-58, 3-23, इसमें से असंगत को चुनना है। तो असंगत इसमें से कौन है? असंगत है 5-31, 5-31। क्वेश्चन नंबर 69, 69, नीचे दिए गए कथनों के बाद तीन निष्कर्ष एक दो और तीन दिए गए हैं, स्वयं कोई समाधान किए बिना, स्वयं कोई समाधान किए बिना वह निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अपने मन से नहीं करना है, अगर तर्क के रूप में है तो उसी को बताना है। तो एक नंबर सुनो, कोई विद्यालय संस्थान नहीं है, वे सभी प्रतिष्ठान जो कि संस्थान नहीं है उनके भवन है। फिर से सुनो, कोई विद्यालय संस्था नहीं है, दूसरा वे सभी प्रतिष्ठान जो जो कि संस्थान नहीं है उनके भवन है, जिनका विद्या भवन है जिसका संस्थान नहीं है, और जिनका सब चीज है उनका भी उनके पास भवन है, कुछ नहीं है तो भवन है। विद्यालय प्रतिष्ठान नहीं होते, सभी विद्यालयों के भवन होते हैं, विद्यालयों के भवन नहीं होते। तो इसमें से दो और एक मिल रहा है, एक नहीं दो और दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखांचित्र महिलाओं, माताओं और अभियंताओं के वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से महिलाओं, माताओं और अभियंताओं के वर्ग के बीच में बीच के संबंध को सही दर्शाता है। तो कौन सही दर्शाता है? सी नंबर सही दर्शाता है। देखो, महिलाओं माताओं ये तो एक जैसा हो गया, चल भाई गोले में डाल दिए, और अभियंताओं ये एक अलग, तो इनका एक अलग लाइन हो गया, तो मिल गया और सभी चीज को दर्शाया जा रहा है, तो भैया यही सही है, क्योंकि तीनों का तीनों तो महिले हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित सेट की संख्या आपस में खास प्रकार से संबंधित नहीं है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है, मतलब सेट के जैसा है। 4, 6, 9,
इसी के बराबरी का हमें एक बताना है। तो 12, 14, 18 नहीं होगा, 6, 8, 12 सर्वपुरोगत नहीं आएगा, 9, 15, 18 यह भी नहीं, 6, 12, 24 ये आएगा यहाँ पे, 6, 12, 24 याद रहेगा? याद नहीं, ये हमेशा सेट बदलते रहता है क्योंकि इसके अनुसार ही सेट किया जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72, कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो, कौन से दो चिन्ह को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित सीमाकरण सही हो जाएगा, इसमें से जो सवाल है वो सही हो जाएगा। इसके लिए हमें कौन सा शब्द चुनना है? तो देखो यहां पर डिवाइड और प्लस को इधर से उधर कर डालना है तो हमारा सब सही हो जाएगा। प्लस को डिवाइड कर दो और डिवाइड को प्लस कर दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 73, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हृदय, हृदय, हृदय मतलब दिल, और उसके से संबंधित क्या है? सिराए, सिराए मतलब एक प्रक्रिया में चलाना। नदी, तो नदी का क्या होगा? धाराएं, नदी का धाराएं, याद रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। देखो यहां पर सिराए का मतलब हो जाएगा नस, बहाना तो हो गया, एक फ्लो में बहाना। तो हृदय, हृदय में जो दिल होता है, दिल किस चीज से चलता है? नस से चलता है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सिराए। तो नदी है, नदी कैसे चलती है? तो नदी, नदी जुड़ कर चलता है, समुद्र नहीं, धारा नहीं, सहायक नदियां इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सहायक नदियां। एक्स, जो क्वेश्चन नंबर 74, एक्स से चिन्हित आयतकार पारदर्शी सीट का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस सीट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। अब देखो बीच से हमको मोड़ देना है तो हमारा चित्र कैसा होगा? बीच से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन इधर को आ जाएगा और ये गोला एक्स के जगह पे एक्स के साथ ही बन जाएगा। अब देखो यहां पर आंसर कौन सा सही लग रहा है? नहीं नहीं, ये तो समान, ये तो लग रहा है ये ऊपर ही गिरेगा ना, तो एक्स को सब घेर दिया जा रहा है, तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, इसका आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी। इसका आंसर होगा ए। ए क्यों? ये देखो ये लाइन ऐसे है, जब इधर करोगे तो ये ऊपर की तरफ लाइन जाएगा ना, ये एरो जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला, तो यही सही है आंसर ए। छोटा छोटा बात का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है ना। उस आकृति का चयन करें क्वेश्चन नंबर 75 में जिसे एक्स से चिन्हित रिक्त स्थान पर रखने से चित्र को पैटर्न रूपण हो जाएगा, मतलब पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर पूरा करने के लिए कौन सा पैटर्न हमें लगेगा? देखो जैसा इसमें है वैसा ही पैटर्न हमको इसमें लगेगा। तो 75 का आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो ये, देखो यहां पर एक गया एक गया एक गया, ये साइड पहले ऊपर से तीन को कट गया, ऐसा साइड कहां बन रहा है? आंसर डी में बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे पढ़ेंगे सेट 17.4 जिसमें हम जानेंगे पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अन्यथा डिस्क्रिप्शन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन 9 से 4 के बीच में ही मैसेज करना क्योंकि ऑफिस इंस्टीट्यूट का उसी समय खुला रहता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।